नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की धर्म से जुड़ी बड़ी खबरों से। भारत के आध्यात्मिक संत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की 20 सितंबर को जयंती है। वे एक दार्शनिक विचारक और समाज सुधार के रूप में जीवन भर कार्य करते रहे हैं। उन्होंने वैदिक परंपरा की पुनः स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया। आओ जानते हैं उनके जीवन के संबंध में तथ्य। भारत के आध्यात्मिक संत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का 20 सितंबर 1911 भारत के आध्यात्मिक संत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का 20 सितंबर 1911 आगरा जिले के आमलखेड़ा गांव में जन्म हुआ। उनके पिता श्री पंडित रूप किशोर शर्मा जी एक प्रसिद्ध पंडित थे। उनकी माता का नाम दान कुमारी देवी था। 15 वर्ष की आयु में वसंत पंचमी के दिन सन 1926 में उनके घर की पूजा स्थली पर ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। 1927 से 1933 तक का उनका समय एक सक्रिय स्वयंसेवक व स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता। आगरा में सैनिक समाचार पत्र के सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। 1935 के बाद उनके जीवन की नई यात्रा प्रारंभ हुई, जब वे श्री अरविंद से मिलने, पांडिचेरी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने, शांति निकेतन तथा गांधी जी से मिलने साबरमती आश्रम गए। इसके बाद वे अध्यात्म की तलाश में हिमालय चले गए। वहां उन्होंने एक पहुंचे हुए संत से दीक्षा और प्रेरणा ली और फिर गायत्री आंदोलन की शुरुआत हुई। श्री राम शर्मा आचार्य ने हिंदुओं में जात पात को मिटाने के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को बताया कि ब्राह्मणत्व प्राप्त कैसे करें। उन्होंने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी, जहाँ गायत्री के उपासक विश्वामित्र ने कठोर तप किया था। उसी जगह उन्होंने अखंड दीपक जलाकर हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। उन्होंने गायत्री शक्ति और गायत्री मंत्र के महत्व को पूरी दुनिया में प्रचारित किया। उनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा ने उनके कार्य में बराबरी से साथ दिया। पंडित जी ने वेद और उपनिषदों का सरलतम हिंदी में श्रेष्ठ अनुवाद किया है, जो पठनीय है। उन्होंने ही अखंड ज्योति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उन्होंने शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व, गायत्री तपोभूमि, युग तीर्थ आमलखेड़ा जैसी अनेक संस्थाओं द्वारा युग निर्माण योजना का कार्य किया, जो आज भी जारी है। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने शांति कुंज में ही देह छोड़ दी। गुरु जी की आत्मा 2 जून 1990 को शरीर त्याग कर परमात्मा में विलीन हो गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसी ही धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएनएन न्यूज।